आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस, मैं हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में। हम क्या देखेंगे? स्पाइंस देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो हम सबसे पहले स्पाइंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे, राइट। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? इन स्पाइंस का इंट्रोडक्शन देखे हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, इसका हम क्या बोलते हैं, मिक्सड आप ऑक्साइड, ऑक्साइडों का मिक्सचर, मिक्सचर या मिक्स्ड को हम क्या बोलते हैं, स्पाइंस बोलते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, पहला नॉर्मल स्पाइन, दूसरा होता है इनवर्स स्पाइन। तो इसमें समझिए कि अगर जिसका एनर्जी कम वो टेट्राहेड्रल, जिसका एनर्जी ज़्यादा वो ऑक्टाहेड्रल, इस स्पाइंस को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम नॉर्मल स्पाइन बोलेंगे। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, जिसका एनर्जी ज़्यादा, ठीक है, वो ऑक्टाहेड्रल में, जिसका एनर्जी कम वो टेट्राहेड्रल में। ये जस्ट अपोजिट है, इनवर्स नॉर्मल के जस्ट अपोजिट को ही बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको समझिएगा, जब हम क्या करते हैं, एक मिक्सर लेते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन कितना है, चार ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -2। यहाँ पे चार है तो कितना है, +8। ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, ऑक्सीजन का। अब +8 को हमको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो किसके लिए, हम मेटल लिए हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार का हम मेटल लिए हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा, और इसका 2 है तो +3, +3 मिला के कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका ये +2 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2। और इसका देखेंगे स्ट्रक्चर, तो टेट्राहेड्रल, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। इसको बस आपको याद रखना है, मतलब जिसका एनर्जी ज्यादा रहेगा उसको ऑक्टाहेड्रल लेना है, ठीक है, और जिसका एनर्जी कम रहेगा उसको हमको टेट्राहेड्रल लेना है। वो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्पाइन बोलेंगे, ठीक है। बस इसी को याद रखिएगा, एग्जाम में यही पूछता है कि ये नॉर्मल स्पाइन है कि इनवर्स स्पाइन है। दूसरा हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ये हमारे पास हो जाएगा ABO4। इसमें हमारे पास क्या है, फिर वही कंडीशन है, ऑक्सीजन का कितना है, चार है, बट इस बार हमारे पास जो ए है वो क्या करता है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, मतलब जिसका एनर्जी ज़्यादा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा। तो ये क्या करेगा, ऑक्टाहाइड्रल शो करेगा, लेकिन इसमें एक बी और दूसरा बी, इसमें ये क्या करेगा, एक ऑक्सीडेशन नंबर 2 शो करेगा, एक ऑक्सीडेशन नंबर 3 शो करेगा। जो यहाँ पे B2 है, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार का हम मेटल लिए हैं, उसमें हमको क्या देखना है, एक में हो जाएगा +2, एक में हो जाएगा +3, इसलिए ये क्या शो करेगा, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। जबकि इनवर्स में, ये नॉर्मल में हम क्या देखे थे, +2 वाला क्या शो किया था, यहाँ पे टेट्राहाइड्रल ही शो किया था, बट जो सिंगल है ये पहला, वो यहाँ पे क्या शो कर रहा था, +3 शो कर रहा था, ठीक है। तो इसी प्रकार जिसका एनर्जी कम टेट्राहेड्रल, जिसका एनर्जी ज्यादा वो ऑक्टाहेड्रल। ये किस में हम कैलकुलेट करके देखेंगे, तो 3D सीरीज में हम CFC का करेंगे, काउंट करेंगे। और हमारे पास अगर मेन ग्रुप आता है उसमें हमको क्या देखना है, लेटिस एनर्जी देखना है, ठीक। तो ये दो चीज को आपको याद रखना है। अब इसको हम एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। स्पाइंस को हमको बताना है कि नॉर्मल है कि हमारे पास इनवर्स है, बस यही से आपको क्या देगा, एग्जांपल देगा। आपको एग्जाम में आप पूछेगा कि ये नॉर्मल स्पाइन है कि ये इनवर्स स्पाइन है, इसी को हमको बताना है। ये 10 अलग अलग एग्जाम्पल है, 10ों को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ MnCr2O4, ठीक है। ये ऑक्साइड है, मिक्स ऑक्साइड है। इसमें देखते हैं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो +2 है, याद रखिएगा। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और Cr का, याद रखिएगा, Cr का ऑक्सीडेशन कितना होता है, +3, ठीक है। अब इसमें हमको CFC काउंट करना है। आपको दो ही चीज़ याद रखना है, अगर 3D मेटल के साथ, मेटल कौन सा हो, 3D सीरीज का हो, तो आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या करना है, काउंट करना है। और अगर आपके पास मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप में मेनली एल्युमिनियम आएगा क्योंकि वही +3 रहता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 रहता है क्योंकि उसको हमको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। इसीलिए हम क्या लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हमको क्या देखना है, लेटिस एनर्जी प्लस हमको CFC देखना है। तो हम को अभी हमारे पास क्या है, 3D सीरीज का दोनों मेटल है, तो हमको अभी लेटिस एनर्जी देखने की जरूरत नहीं है, केवल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखने की जरूरत है। उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते रहिएगा, यहाँ पे हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये ऑक्टाहाइड्रल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑक्टाहाइड्रल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल में क्या होता है, इसको देखते रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, XY, ठीक है, D है ना, और ये हो जाएगा YZ, ZX,
dx का स्क्वायर हो जाएगा, dxy का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आर्बिटल है, ठीक है। अब हमको मिला क्या है, mn। सबसे पहला हम किसके लिए काउंट कर रहे हैं, तो mn के लिए काउंट कर रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो d5 हाई स्पिन। ऑक्सीजन हम क्या है, थोड़ा लो लिगेंड है, ठीक, ऑक्सीजन वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड के साथ क्या बनाता है, हमेशा हाई स्पिन बनाता है, याद रखिएगा, बस यही चीज को रखना है। तो 1 2 3 4 5 सब में एक एक पहले क्या करना है, भरना है, ये हाई स्पिन है, मैंने सीएफसी काउंट में आपको बता दिया था, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, -D4 -0.4 डेल और +0.6 डेल 0, ठीक, ये इतना हो गया। अब इसको हमको फार्मूला में पुट अप करना है, फार्मूला इसका क्या होता है, आपको बताया था -0.4 प्लस ए प्लस 0.6 इंटू बी, और हमारे पास डेल 0 प्लस एमपी, एमपी को अभी लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मेनली हमको क्या निकालना है, नॉर्मल स्पाइन है कि इनवर्स स्पाइन है, बस यही काउंट करना है। तो हमको ए में ए क्या है, ये है, ठीक है, नीचे को हमको ए माने हैं बी, तो ए में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू कितना है, 2, ये डेल 0 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, -1.2, और ये क्या हो जाएगा, 1.2, बराबर क्या हो जाएगा, डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, -0 आ जाएगा। इसका वैल्यू हमने क्या निकाला है, सीएफसी वैल्यू, सीएफएससी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्रोमियम का देखते हैं, तो क्रोमियम में क्या हो जाएगा, क्रोमियम में क्या होता है, D4 होता है, याद रखिएगा, D4 हाई स्पिन, D4 हाई स्पिन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ऊपर जाएगा, बस यहाँ पे क्या होगा, बस एक ही रहेगा। अब उसके पास हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इसमें 4 ही रहेगा, तो 1.2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इंटू सॉरी प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, 0.6 डेल 0, अगर 6 में 6 घटाते हैं तो 0.6, मतलब हमारे पास क्या आ गया, याद रखिएगा, इसमें क्या है, इसका एनर्जी हम अब कम आया है, 0.6 इसका है और इसका है 0, तो देखते रहिएगा, मैग्नीज का एनर्जी कम है इसलिए क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और इसका एनर्जी ज़्यादा है, किसका एनर्जी ज़्यादा है, तो क्रोमियम के एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल, तो ये स्पाइन क्या होगा, अगर ये पहला वाला +2 है, टेट्राहेड्रल है, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये नॉर्मल स्पाइन, ये क्या शो कर रहा है, नॉर्मल स्पाइन शो कर रहा है, नॉर्मल स्पाइन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एकदम मजे लेके पढ़िए, इनऑर्गेनिक का टॉपिक बहुत इजी होता है, इसमें हम स्पाइन निकाले हैं, ठीक है, ये कौन सा स्पाइन है, तो नॉर्मल स्पाइन है, जरूरी नहीं कि हर स्पाइन नॉर्मल स्पाइन हो, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, पहला एग्जाम्पल है, केवल हम केवल एक ही एग्जाम्पल अभी सॉल्व कर रहे हैं, और आगे 10 बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये सीएफसी हम काउंट किए हैं, याद रखिएगा, सीएफसी काउंट किए हैं, तो आपको ऑक्सीजन को देख के प्रिडक्ट करना है कि ये वीक लिगेंड है कि स्ट्रांग लिगेंड है, तो ऑक्सीजन क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड के साथ हमेशा क्या बनाता है, जो स्पिन होता है, हाई स्पिन होता है, तो यहाँ हाई स्पिन का मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, फिर हम क्या करेंगे, नीचे इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये इसका वैल्यू निकल गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल क्या देखते हैं, निकिल का साथ देखते हैं, निकिल क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, देखते रहिएगा, निकिल क्रोमियम O4, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, निकिल का देखेंगे, राइट, यहाँ पे निकिल क्या है, +2 में है, निकिल किस कंडीशन में है, +2 में है, ये क्या है, +3 कंडीशन में है, ठीक है, निकिल हमेशा +2 में रहेगा, याद रखिएगा, वो मोस्ट स्टेबल +2 में ही रहता है, ठीक है, रेयर चांस रहता है। अब निकिल +2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, D8, D8 कहाँ से आ रहा है, तो हम इसको निकिल का इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, इसको मैं जब कंफिगरेशन कर रहा हूँ तो लास्ट क्या आता है, 3D8 आता है, ठीक है, मैं डायरेक्ट D8 को लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें स्पिन का कोई रोल नहीं है, तो सब में पेयर हो जाएगा, 6 हो गया, 6 2 8, ठीक है। अब मैं इसको क्या करना है, सीएफसी काउंट करना है, आपको रटा जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू ए, 0.6 इंटू बी डेल 0, ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू कितना है, 6 है, प्लस 0.6 इंटू क्या हो जाएगा, 2, तो 6 चौक 24 -2. +1.2 -1.2 डेल 0, ये कैसे आया, आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किए हैं, D8 को हम पूरा पेयर कर दिए, ठीक है, D8 पेयर किए हैं, तो हमारे 6 नीचे इलेक्ट्रॉन आ गया,
और ऊपर में दो, राइट। अभी हमारा फार्मूला है ए को, हम क्या है ये ए को माने हैं नीचे जो है, ठीक है, जो 3D है, ये क्या बोलते हैं, ये ट्रिपली डिजनरेट को हम क्या माने हैं, ए माने हैं। इसका नाम है ट्रिपली डिजनरेट, डबली डिजनरेट। ट्रिपली डिजनरेट को हम क्या माने हैं, तो इसको हम माने हैं ए, ठीक है। तो जिसका वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 से अगर गुणा करोगे 4 का कितना आएगा, 24, लेकिन 2.4 आएगा, ठीक है, दशमलव है तो, और यहाँ पे 2 है तो 12, 12 को हम क्या किए हैं, 1.2 किए हैं। अगर 24 में 12 घटाओगे तो 12 आएगा, लेकिन उसको हम 1.2 क्योंकि दशमलव में है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका एनर्जी याद रखिएगा, इसका एनर्जी आया है -1.2 ΔJ। ये किसका हो गया, निकिल का। सेम क्रोमियम का देखते हैं, क्रोमियम क्या हो जाएगा, इस बार +3 में है तो D4 हाई स्पिन के साथ शो करेगा ये, तो उस बार क्या हो जाएगा इसमें -0. जब D4 रहेगा तो 3 तो यहाँ हो जाएगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, याद रखिएगा, अभी जस्ट निकाले हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × ये प्लस में रहेगा, ये दूसरा कह लिया है, ठीक है, 0.6 × 1, 0. ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1.2 प्लस 0.6 तो क्या हो जाएगा, 0.6 ΔJ। इसका वैल्यू देखो, अब इसका क्या हो गया, 0.-6। अब यहाँ पे देखिए किसका एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी किसका ज्यादा है इस बार, इस बार निकिल का एनर्जी ज्यादा है, याद रखिएगा, इसका एनर्जी इस बार ज्यादा हो गया, इसका एनर्जी कम है। जिसका एनर्जी ज्यादा वो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, इसका एनर्जी कम मतलब टेट्राहेड्रल, इसको याद रखिएगा। ऐसा हम स्पाइन को क्या बोले थे, इनवर्स स्पाइन, ठीक है। हमने फर्स्ट में क्या देखा था, अगर यहाँ टेट्राहेड्रल बनता है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल बनता है, उस कंडीशन में नॉर्मल और जस्ट अपोजिट बना है, तो इनवर्स को हमको स्पाइन को भी क्या करना है, अपोजिट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवर्स भी अपोजिट हो जाएगा, तो इनवर्स स्पाइन होगा, ठीक है, इनवर्स स्पाइन। निकिल के कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में बस ऐसे पूछेंगे, एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना है इनवर्स है कि नॉर्मल है, राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल फिर से हम देखते हैं, मेन ग्रुप शामिल हो रहा है एल्युमिनियम O4, ठीक है। ये इस बार हम इसमें CFC काउंट क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास ये मेन ग्रुप में, एक ग्रुप में तो होगा लेकिन मेन ग्रुप में क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास एल्युमिनियम है जो कि मेन ग्रुप का है, तो इसमें इस बार क्या हो जाएगा, कोबाल्ट में हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन, राइट। याद रखिएगा, कभी भी अगर 3D सीरीज केवल एल्युमिनियम है, ठीक है, याद रखिएगा, जब एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद अगर कोई इसका लेटिस एनर्जी को कम कर सकता है, वो है केवल निकिल, ठीक है। एल्युमिनियम है और 3D सीरीज में अगर निकिल के अलावा कोई भी है, तो उस कंडीशन में स्पाइन केवल नॉर्मल ही बनने वाला है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल स्पाइन बनेगा, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइन शो करेगा, ये क्या शो करने वाला है, नॉर्मल स्पाइन। मान बोल दिया जाए नॉर्मल स्पाइन, नॉर्मल स्पाइन में हमेशा देखो 3D सीरीज का क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, जो सबसे पहले रहेगा वो टेट्राहेड्रल, बाद में रहेगा ऑक्टाहेड्रल। और अगर एल्युमिनियम है तो वहां हमको लेटिस एनर्जी देखेंगे, तो लेटिस एनर्जी एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा होता है कंपेयर 3D सीरीज का, क्योंकि इसका साइज छोटा है, साइज छोटा होने के कारण ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका लेटिस एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, इसको डोमिनेट कौन नहीं कर सकता, 3D सीरीज के निकिल के अलावा कोई भी इसको डोमिनेट नहीं कर पाता है। तो जो हमारे पास स्पाइन्स बनेगा वो क्या बनेगा, स्पाइन हमारे पास बनेगा नॉर्मल स्पाइन, राइट। क्योंकि क्या कर रहा है, एल्युमिनियम सबको डोमिनेट कर दे रहा है, केवल एल्युमिनियम को कौन डोमिनेट कर रहा है, निकिल कर रहा है, राइट। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये नॉर्मल स्पाइन हो जाएगा, ठीक। फिर हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है, अभी इस बार देख रहे हैं, चौथा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आयरन है, आयरन के साथ क्रोमियम है और O4 है, ठीक है। इसमें आयरन क्या हो जाएगा, +2 में है और क्रोमियम क्या है, +3 में है। क्रोमियम का हम बार बार निकाल चुके हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए, क्रोमियम का 0.6 आ रहा है, जो हम CFC वैल्यू निकाल रहे हैं 0.6, केवल हमको आयरन का निकालना है, राइट। आपको याद हो जाएगा कि निकालते निकालते अब आयरन का कितना होता है, D6 होता है, हाई स्पिन हो जाएगा, D6 हाई स्पिन, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 5 × 1 6 यहाँ पे बस, बाकी सब क्या रहेगा, कम हो जाएगा। अब इसका मैं एनर्जी अगर काउंट करता हूँ, CFC वैल्यू काउंट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मार्क सबसे पहला 0.4 प्लस इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस 0.6 × B
कोष्टक में बाहर डेल जीरो, डेल्टा जीरो रहेगा, राइट। अब यहाँ पे हमारा एक एक बिंदु कितना है, चार है, 0.4 × 4 प्लस 0.6 × 1 एक ही है, ऊपर दो है ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, देखते रहिएगा क्या हो जाएगा, 4 × 16 1.6 प्लस 0. क्या हो जाएगा, 1.2, ठीक है, ये 1.2 डेल जीरो, तो क्या हो जाएगा, 0.4 डेल जीरो। इसमें इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 0.4, तो किसका एनर्जी ज्यादा दिख रहा है, 0.6 का, तो ये क्या हो जाएगा, आक्टाहाइड्रल, और ये क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्पाइन, नॉर्मल स्पाइन से अलावा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इनवर्स स्पाइन होगा, क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा है, इसका एनर्जी कम है, जिसका एनर्जी कम वो टेट्राहाइड्रल, जिसका एनर्जी ज्यादा वो आक्टाहाइड्रल, तो उस कंडीशन में इसका एनर्जी ज्यादा है तो ये आक्टाहाइड्रल, ये टेट्राहाइड्रल, तो ये क्या स्पाइन क्या शो करने वाला है, तो ये इनवर्स स्पाइन शो करने वाला है, राइट। दूसरे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कोबाल्ट क्रोमियम का देखते हैं, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 रहेगा, अलग अलग है याद रखिएगा, ये एक ही नहीं है, कोबाल्ट हो जाएगा, ये क्रोमियम का +3 होता है, ठीक है, क्रोमियम को बार बार निकलते आ रहे हैं, तो याद हो जाएगा आपको -0.6 डेल जीरो, ठीक है। अब हमको सिर्फ कोबाल्ट का चाहिए, कोबाल्ट क्या हो जाएगा, +2 में है, तो इसमें कुछ भी हमको करने की जरूरत नहीं है, तो इसका D7 हो जाएगा हाई स्पिन के साथ, तो ये 7 हो जाएगा, तो एक नीचे बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक नीचे बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, 0.4 × A प्लस 0.6 प्लस A हो जाएगा गुणा B, ठीक है, ऊपर में कितना है, दो है, नीचे में कितना है, तो 5 है, ठीक, 0.6 × क्या हो जाएगा, 2 डेल जीरो, याद रखिएगा, 5 चौक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 6 × 12 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.8, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.8, याद रखिएगा, 0.8 और 0.6 किसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो कोबाल्ट का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आक्टाहाइड्रल, ये क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल, तो ये इनवर्स स्पाइन होगा, ठीक है, इनवर्स स्पाइन, याद रखिएगा, कोबाल्ट क्रोमियम +O4, इसको आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इतना हम एग्जाम्पल सॉल्व कर देंगे, बस यही एग्जाम्पल में आपको मिलता है, आप PGT टीचर का निकाल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। फिर से अलग एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, देखते हैं MN, याद रखिएगा, MN CO2 O4, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, MN में हम क्या देखे हैं, +2 होता है, इसका क्या होता है, C3, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये D5 का, इसका हम क्या देखे थे, 0 होता है, याद रखिएगा, इसका कितना होता है, डेल जीरो, इसका जब वैल्यू निकालते हैं, CFC निकालते हैं मैगनीज का, तो ये कितना होता है, 0 होता है, हमको मेनली देखना है D6, ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन, ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन, क्योंकि ये क्या होता है, +3 है ना, ये कोबाल्ट क्या है, अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है तो क्या करता है, ये लिगेंड से इसको मतलब नहीं है, ये कितना वो करता है, लो स्पिन में ही क्या करता है, ये शो करता है, अगर कोबाल्ट +3 कहीं भी आपको देखिए तो आपको लो स्पिन लगाना है, केवल इससे स्ट्रांग लिगेंड जैसे थायोसाइनाइड, साइनाइड और जो भी हैलाइड है, हैलाइड में क्या हो जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन, अगर ये रहा तो हाई स्पिन शो करेगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी लिगेंड रहा तो लो स्पिन शो करेगा, तो D6 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पेयर हो जाएगा, उस कंडीशन में 0.4 × A प्लस 0.6 × B, तो इसमें ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, ऊपर में भूल जाओ इसको, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0.4 × 6 प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2. क्या हो जाएगा, 4 डेल जीरो, तो इस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, -2.4 डेल जीरो, इसका एनर्जी ज्यादा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, आक्टाहाइड्रल, इसका एनर्जी कम दिख रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल। अब ये इनवर्स आपको बताना है, तो इनवर्स कैसे रहेगा, इनवर्स स्पाइन ही रहेगा, याद रखिएगा, इसका स्पाइन क्या रहेगा, इनवर्स रहेगा, इसका जो स्पाइन है वो क्या रहेगा, इनवर्स रहेगा, बस इसको याद रखें, नॉर्मल से अपोजिट, क्योंकि इसका एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, राइट, ठीक है। और ये O4, ये क्या हो जाएगा, इसका स्पाइन क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा, याद रखिएगा, इसका स्पाइन क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा,
ये नॉर्मल हो जाएगा, राइट। और निकिल गैलियम, राइट, निकिल गैलियम O4। अब देखते रहिएगा निकिल का, याद रखिएगा निकिल का ऑक्सीडेशन, निकिल का जो लेटिस एनर्जी हो वो क्या होता है, मोर होता है। एल्युमिनियम का लेटिस एनर्जी कितना होता है, तो मोर होता है कंपेयर गैलियम के। अगर कंपेयर लेस होता है, क्या है, गैलियम लेस लेटिस एनर्जी होता है, तो उसको निकिल क्या कर देगा, डोमिनेट ही करेगा। इसलिए इसमें भी क्या करेगा, ये नॉर्मल स्पाइन ही शो करेगा, ये नॉर्मल स्पाइन शो करेगा, क्योंकि आपको परेशानी केवल 3D सीरीज में नहीं, केवल क्या होगा, मेन ग्रुप में होगा। तो मेन ग्रुप में केवल लेटिस एनर्जी चेक करना है, जिसका लेटिस एनर्जी ज़्यादा तो वो क्या करेगा, केवल निकिल के केस में आपको याद रखना है, वो इनवर्स स्पाइन शो करेगा, बाकी नॉर्मल स्पाइन आपको मिलने वाला है, राइट। और भी होगा कापर एल्युमिनियम 3, ये क्या करेगा, ये भी क्या करने वाले हैं, शो करने वाले हैं, तो नॉर्मल। एल्युमिनियम के केस में अगर निकिल बस है तो इनवर्स बाकी 3D सीरीज में जितना भी आएगा वो क्या करने वाले हैं, तो नॉर्मल स्पाइन शो करने वाले हैं। एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको बनाने ते बन जाए, ZnB रहेगा, ZnL2O4, ये भी क्या करने वाला है, नॉर्मल स्पाइन शो करने वाला है, एग्जाम में यही आपको पूछेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, ZnCr2, इसको देखते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, राइट। एन और क्या हो जाएगा, Cr2O4, इसका क्या हो जाएगा, +2 रहेगा, और इसका क्या रहेगा, +3 रहेगा। तो इसको हम क्या देखे हैं, 0.6 रहता है माइनस में, है ना। अब जेड का हमको निकालना है, तो इसका क्या रहेगा, G10 रहेगा, तो दोनों में क्या रहेगा, फुलफिल रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 0.4 × A प्लस 0.6 × B, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.4 × A कितना हो जाएगा, 6, 0.6 क्या हो जाएगा, 4, तो क्या हो जाएगा, 6 × 24 और 6 × 24 ΔO, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो इनवर्स याद रखिएगा, इनवर्स स्पाइन शो करने वाला है। इतना एग्जाम्पल में आपको एकदम याद हो गया होगा, रटा गया होगा, इतना आसान भाषा से हमने आपको क्या कर दिया है, समझा दिया है, ठीक है। बस आपको क्या क्या याद करना है, केवल CFC काउंट करने आना चाहिए। आपको याद रखना है किसके केस में, केवल कोबाल्ट +3 के केस में, यही थोड़ा सा क्या है, एबनॉर्मल है। कोबाल्ट +3 क्या होता है, हमेशा लो स्पिन शो करता है। एक्सेप्शन किसके है, एल का एल क्या हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा, हैलाइड में हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये 3 हो जाएगा, फिर साइनाइड हो जाएगा, फिर और थायोसाइनाइड। ये अगर इतना रहा तो आपको क्या करना है, केवल हाई स्पिन लगाना है, बाकी के केस में क्या करना है, लो स्पिन लगाना है, बस यही चीज़ है। ये क्या हो जाएगा हमारे आज का टॉपिक, स्पाइनसिस में हमने क्या देखा, एग्जाम्पल देखा, उसका टाइप्स देखा, मेनली होता है एग्जाम्पल। आपको पूछेगा नॉर्मल स्पाइन है कि इनवर्स स्पाइन है, फिर से याद रखिएगा, नॉर्मल स्पाइन का मतलब क्या होता है, एनर्जी कम टेट्राहेड्रल, एनर्जी ज़्यादा ऑक्टाहेड्रल। नॉर्मल केस में ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, जिसके जस्ट अपोजिट ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, ये क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्स स्पाइन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक लिए थैंक यू।